पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पूर्व गौ सेवा आयोग के सदस्य राहुल ठाकुर सिंह और नवतप बिल्डर और गौ माता सेवा ट्रस्ट के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी जरूरतमंदों तक निशुल्क भोजन और जरूरत के सामान दवा आदि पहुंचाया जाएगा और किसी की भी मदद के बाद उसका फोटो नहीं खींचा जाएगा। राहुल ठाकुर और नवतप बिल्डर के सहयोग से गौ माता सेवा ट्रस्ट भारत ने निर्णय लिया है कि कोरोना पॉजिटिव परिवारों को भोजन वितरण किया जाएगा, कोरोना की दवाई की किट वितरित की जाएगी, जिन लोगों के मास्क खराब हो गए हैं उनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क भी वितरित किए जाएंगे, सुबह और शाम चाय का वितरण किया जाएगा। साथ ही साथ कोरोना वायरस की इस जंग से जल्द ही निपटने के लिए और कोरोना के शिकार हुए सभी मरीजों के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रतिदिन हवन यज्ञ किए जाएंगे। ये बड़े भैया ठाकुर राहुल सिंह के सौजन्य से जो कोविड के मरीज और उनके ईमानदार लोग हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई थी जी। और कड़गा प्रभाव मार्केट से हम शुरू करा खाना बांटना जी। और फिर उसके बाद स्टेशन पे जी रोडवेज और फुब्बारा चौक से होते हुए अब हम जिला अस्पताल में हैं जी। और कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी कोविड से जो इस समय परेशानी में है, लोग घर पर खाना नहीं बन पा रहा, उनके लिए खाना पचाएँ जी और उसकी आगे क्या प्रयास रहेगा? आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कोविड चल रहा है अब तक हम इनको अपनी सेवा देते हैं। और कुछ विशेष अपील करना चाहते हैं? विशेष अपील यह है कि अब आने वाले समय में एक हेल्पलाइन नंबर इशू करेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।